अरे बालक, ये क्या, तुम गायब कैसे हो रहे हो? बाजी, मैं गायब कैसे हो गया? मैं ठीक नहीं हूँगा क्या? मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, भागना मत यहाँ से। लेकिन ये बात मैं सुनते वहाँ से भाग गया, क्योंकि मुझे शक्ति काफ़ी सही लग रही थी। मैं इससे और भी चीज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने पूरे गांव में लूटपाट करना शुरू कर दिया। मैंने बड़े बड़े घर में चोरी की और मैं बन चुका था वो गांव का सबसे बड़ा आदमी। उसने गांव के सबसे बड़े आदमी बनने के लिए तुम्हारे घर में चोरी की और साथ ही साथ सभी घरों में, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ डॉग ही उसे पकड़ सकते हैं। पापा जी का ऐसा कहते ही धन जो है जाके व्यापारी से डॉग खरीद लिया और उसने कुल 3 डॉग खरीदे थे और 3 डॉग को मेरे पीछे लगा दिया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बचूं कैसे, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता डॉग मुझे देख ही लेते। फिर मुझे लगा कि मैं बच नहीं सकता, तो मैंने धन सुरेशा को मारने का सोचा। फिर डॉग ने मुझे एंड टाइम पे आकर मेरे पीछे से मार दिया। अरे मैं कहाँ पे हूँ? मुझे तो लगा मुझे डॉग ने भी तो मार ही दिया। लेकिन अगर मुझे डॉग ने मार दिया तो मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं? वो जंगल में क्या है? भूत। एक सेकंड, वो मुझे भूत जैसा तो नहीं लग रहा है। क्या पता कोई इंसान लालटेन लेके खड़ा होगा। मुझे एक बार वहाँ पर जाके देखना ही चाहिए। मुझे कुछ सही तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जाके देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा वहाँ पर है क्या। मुझे इंसानी टाइप का कुछ लग रहा है। ये वाइट कलर पहन के है कौन? ओ नहीं, ये कौन है यार? अरे यार, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना ऐप में? मुझ में क्या गड़बड़ होगी, तुम भी इंसान, मैं भी इंसान। तुम्हें भी बाबा ने धोखा दिया, मुझे भी बाबा ने धोखा दिया, पावर दिया और मुझे मार दिया। बाबा जी बहुत खराब है, बाबा जी ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। पहले तो मुझे गायब कर दिया और जब मैं गायब होकर उसका शक्ति को यूज करना शुरू कर दिया तो बाबा जी को कुछ जलन हो गई। बाबा जी ने एक मीटिंग बैठाया जिसमें बाबा जी और धन सुरेशा एक जंगल में आ गए और उस लोगों ने काफ़ी 1.5 घंटे के बात की और फिर मेरे पीछे 40 कुत्ते पड़वा दिए जो मुझे देख सकते थे और मुझे मार दिए वो लोगों ने। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और मैंने तुम्हें भी बचाया। अब चलो हम लोग मिलकर बाबा जी की वाट लगाते हैं। आज तो हम लोग बाबा जी का बजा देंगे। ध्यान से नीचे कट। कहाँ पे मैं? ये कहाँ गिर गया? यहाँ से मैं कैसे निकलूँ? ओए सुन रहे हो यार, वो आ क्यों नहीं रहा? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, मैं उतनी देर से बुला रहा हूँ, वो आ क्यों नहीं रहा इधर? एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और ये मेरा घर वापस रेडी। अरे भाई, कितनी मेहनत के बाद वापस बनाया हो घर, मिस्त्री का पैसा भी बचा लिया। ओ यार, मैं कौन सी केम में फंसे, यहाँ पे कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है और वो तो पता नहीं कितने दूर चला गया होगा। लगता मुझे पूरी रात यहाँ पे काटनी पड़ेगी। ओ और ये मैं कहाँ आ गया? ओ यार, कोई सीक्रेट बेस है क्या इसके अंडरग्राउंड? लगता है कोई रहता होगा। वार्निंग यार, साइन बोर्ड वार्निंग लिखा हुआ है। अरे यार, आज तो मुझे लोगों से पैसा लेते लेते शाम ही हो गई, ऊपर से बारिश भी होने लगी। अरे मेरे ध्यान में कैसे नहीं आया? मैंने तो अपने डायमंड्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है, कोई भी आ रहा आके मेरे डायमंड्स को चोरी कर लेगा। वो कौन है? शायद भेड़ बकरी होगी। अरे यार, मैं ये कितनी बड़ी मैं गलती कर दिया था। मैं जब तक लोगों से पैसे वसूल रहा था, कोई मेरे घर में आके डायमंड वसूल लेता। एक बार देख लूँ क्या, कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं देख रहा होगा। ऊपर से मेरा काफ़ी टाइम भी चला जाएगा इसके चक्कर में। मुझे बस अपने डायमंड्स को सेफली छुपा देना है ताकि कोई देखे ना विलेजर, नहीं तो वापस लोग मुझे कंगाल करके चले जाएंगे। इधर मैं था और इधर बकरी थी। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अपने डायमंड्स को छुपाना है। मैं भी ना किस बात में पड़ चुका हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है ना? नहीं तो मेरी हफ्तों भर की मेहनत को एक सेकंड में लूट लेगा। मैं अपने डायमंड्स को यहाँ पर छुपा देता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ पर किसी ने डायमंड छुपाया है। भाई कोई देख भी नहीं रहा है, बस कोई देखे ना। यस, कोई नहीं। अरे ये कौन है? ये आयरन गोलम के बगल में कौन है? ओ भाई साहब, यार ये सारे लोग सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अलग गांव में भी तो इतने सारे अमीर लोग हैं, सब मेरे पीछे पड़े हैं। ऊपर भी कुछ भीड़ जैसा मुझे देख रहा था, मुझे देखना है वो क्या है। ओ नहीं यार, मैं क्या करूं यार, सब कोई मेरे पीछे पड़े हुए। ये पता नहीं कौन अब आदमी आ चुका है, मेरे पीछे पड़ा हुआ। मुझे डर लग रहा है यार, कोई डकैत उकैत है क्या? यूजुअल बंदा भी मेरे पीछे पड़ा था, मुझे कल सुबह जाकर बाबा से मिलना है भाई। और यहाँ पे क्या लिखा है? डोंट बिलीव ग्रे स्टीव। मुझे लगा ही था कि उस पर भरोसा नहीं करो, वैसे उसका नाम ग्रे स्टीव है। लेकिन मैं एक बात में सोच रहा हूँ, ये रूम है किसका? अरे भैया, इतनी दूर चल के मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ और बाबा जी है कि मुझे दिख ही नहीं रहा है।
अरे बाबा जी वहाँ पे हैं। फाइनली मैं बाबा जी के पास पहुँच गया। बाबा जी इतनी ऊपर बैठ के कर क्या रहे हैं? लगता है सो रहे हैं शायद। ओ बाबा जी सुबह हो गई। ओ क्या हुआ बच्चे? बाबा जी मेरे पीछे वो एक बकरी जैसा मतलब सफेद रंग का इंसान पड़ चुका है। मुझे लगता है वो डाकू है, मेरे पैसे लूटने चाहता है। मेरे घर के बगल में मैंने उसे देखा, इतनी जल्दी वो दो जगह चला गया। मैं कल से आपके पास आना चाहता था। कोई बात नहीं बच्चे, मत डरो, देखो मैं तुम्हारे साथ। चलो तुम्हारे घर की तरह मैं देखो। बाबा जी आप मेरे घर चल रहे हो? बिल्कुल मैं तुम्हारे घर चला। बाबा जी क्यों बैठ गए? चलिए ना, अभी बहुत दूर है हम लोग का घर। ओ शिट, इतना दूर तुम लोग का घर क्यों होता है? बाबा जी चलिए ना आप प्लीज। बाबा जी चलिए ना, बस पहुंच गए, वही मेरा घर है सामने। ओ शिट, मुझे लगा बहुत दूर है, चलते हैं। चलिए ना तो। चलो। अरे बाबा जी कितने तेज भाग रहा है। अरे घर बहुत बगल में है। अरे मजा आ गया बच्चे। बिजली गिर रही। अरे यार बिजली उजली गिर रही, वहीं को मैंने देखा था, वहां पर भी था वो भूत। बाबा जी, बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी, ओ बाबा। अरे यार बाबा गए तो गए कहाँ, घर में ही तो आए थे। अरे बाबा जी आप कहाँ गए थे? वो सब बात छोड़ो, तुम्हें वो भूत कहाँ दिखा था? भूत नहीं, उस साइड मुझे लुटेरा दिखा था। उस साइड दिखा था? हाँ बाबा। तो बंद कर दो इसे और मुझे तो सोने दो। अरे यार ये बाबा कितने आलसी हैं, आते ही सो जाते हैं, रास्ते पे बैठ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, बाबा तो आए। अरे यार तुमने इतनी जल्दी यहाँ घर बना लिया? मुझे पता चल चुका तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बाबा का छलावा है। नहीं ये सब झूठ है। क्या झूठ है? तुम्हें मैंने जो जो बताया था लगता है तुम उसे भूल गए। तुम इस गड्ढे में गिरे, मुझे लगा कि तुम फंस गए होगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था, रस्सी खोज रहा था। मैं टाइम लग गया उसमें, और यहाँ पर तो भाई साहब अलग ही षड्यंत्र चल रहे हैं इनके। तुम्हें मेरा साथ देना है। मैंने गलती की थी इसलिए मुझे बाबा जी ने सजा दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे नहीं, मैं बाबा जी के साथ हूँ। तो रहो तुम बाबा के साथ, मैं तो चला अपनी जंग खुद लड़ने। और ध्यान रखना, उस बाबा ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, मैंने तुम्हें बचाया। चाया, चाया। क्या वो सही कह रहा था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने बाबा जी पर पूरा भरोसा है। ओ, बाबा जी। तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। मैंने धन सुबह को बताया था तुम्हें कैसे हरा सकता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कल सुबह तुम मारे जाओगे। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? हटो मेरे रास्ते से। बाबा जी ये कहाँ जा रहे हैं? ऐसा आप नहीं कर सकते। बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी तो यहीं आए थे। बाबा जी ऐसे मुझे सलाम देकर नहीं जा सकते यार। बाबा जी कहाँ चले गए यार? यहाँ पे भी नहीं है। ओ यार बाबा जी को मैं कहाँ ढूंढ लूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था बाबा जी ऐसे निकलेंगे। अगर अब मुझे बाबा जी मिले तो मैं बाबा जी की ऐसी कितने। मुझे अब लगता है कि तुम्हारे अंदर भी वही उससे क्या जल रही है जो मेरे अंदर जल रही है। बाबा जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाबा जी ने मुझे ऐसा श्राप जो दे दिया जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। अकल आई है, चलो पर ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, हमें एक दिन में ही बाबा जी की वाट लगानी है। चलो अब मैं बाबा जी को नहीं छोड़ूंगा। नीचे गड्ढा है, मैं उस चोर को खोजने की कोशिश करता हूँ। क्या पता वो मेरे घर के बगल में खड़ा हो और मेरे घर को लूटने की प्लानिंग बना रहा हो और मुझे खुद ही नहीं पता। एक सेकंड, ये कौन है? अरे बाबा जी जंगल में क्या कर रहे हैं? बाबा जी तो नीचे गए थे। हाँ बाबा जी, ओ बाबा क्या हुआ? बाबा जी मैंने आपको देखा, आप जंगल में थे। तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं उतनी देर से बाहर देख रहा हूँ, मुझे कहाँ कुछ दिख रहा है। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके जैसा सेम टू सेम आदमी को देखा था बाहर।